बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। नाउ वी आर गोना स्टार्ट आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 5 ऑफ एजुकेशन फॉर क्लास 9th। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था होम, सोसाइटी और स्कूल के बारे में कि वो कैसे एजुकेशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं और आपस में कैसे इंटर रिलेटेड हैं। आज हम देखेंगे स्टेप्स टू बी टेकन टू प्रमोट द रिलेशनशिप बिटवीन होम, स्कूल एंड सोसाइटी, कि होम, स्कूल और सोसाइटी का रिलेशनशिप, जैसे हमने देखा कि क्या होता है, क्या होना चाहिए, तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे उसको प्रमोट किया जा सकता है। फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन टू प्रमोट द रिलेशनशिप बिटवीन होम, स्कूल एंड सोसाइटी, यानी ये स्टेप्स हमें लेने चाहिए। नंबर वन है रिकोर्स, पर्सन इन सोसाइटी मस्ट बी आइडेंटिफाई फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, यानी जो स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस है उसको बेहतर तरीके से सोसाइटी में एक बंदे को उसको लिहाज से आइडेंटिफाई करना चाहिए। स्टूडेंट्स एंड एक्सपीरियंस पर्सन फ्रॉम सोसाइटी शुड बी इन्वाइटेड टू असिस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर ऑफ द स्कूल। ठीक है, यानी एक वो बच्चा या एक ऐसा एक्सपीरियंस बंदा सोसाइटी का जो कि स्कूल के मामलात को बेहतर तरीके से एडमिनिस्ट्रेटरी यानी उनको लेके चल सके, उसको बुलाना चाहिए, उसको शामिल करना चाहिए, उसको हिस्सा बनाना चाहिए। पैरेंट टीचर मीटिंग मस्ट बी स्केड्यूल्ड टाइम एंड अगेन। ठीक है, यानी एक स्कूल के इदारे में, एक इदारे में जहाँ चाहे कोई भी लर्निंग का इदारा है, वहाँ पैरेंट टीचर मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इनेकाद लाजमी होना चाहिए हमेशा। स्कूल कैलेंडर मस्ट बी पब्लिश्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोसाइटी टू मेक द सोसाइटी अवेयर अबाउट द अचीवमेंट एज वेल एज प्रॉब्लम ऑफ द स्कूल। ठीक है, यानी जितने भी स्कूल, जितने भी इदारे बने हुए हैं, चाहे गवर्नमेंट के हैं चाहे प्राइवेट हैं, उनके अपने कैलेंडर्स होने चाहिए और जो कि डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए सोसाइटी में, ताकि सोसाइटी देखे कि स्कूल्स में क्या हो रहा है, वो अवेयर हो और वो स्कूल्स का हिस्सा बने, इदारों का हिस्सा बने। मीडिया कोऑर्डिनेशन मस्ट बी एसर्टेंट टू हाईलाइट द इश्यूज़ इन द स्कूल। ठीक है, यानी वही मीडिया, जिस तरह हम देखते हैं कि मीडिया आजकल क्या रोल प्ले कर रहा है, तो मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है स्कूल, होम और सोसाइटी को आपस में कोलाबरेट कराने के लिए, आपस में एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए। करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ मस्ट बी ऑर्गेनाइज विद असिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, यानी सोसाइटी को सामने रखते हुए करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का प्लान होनी चाहिए। द सोशल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स मस्ट बी एक्रेडिटेड इन द स्कूल टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, यानी वही बात है कि स्कूल में भी सोशल वैल्यूज़ को सामने रखना चाहिए, उसको एक लिस्ट आउट करना चाहिए, और जिस तरह हम देखते हैं कि स्कूल्स में होता है, अगर बच्चे बिहेव नहीं कर रहे उनको पनिश किया जाता है या कोई भी वे आउट निकाला जाता है, ताकि उसको सोशल वैल्यूज़ अडॉप्ट करवाई जाएँ, ताकि वो माशरे का एक भरपूर फर्द बन पाए। स्कूल काउंसिल मस्ट बी फॉर्मुलेटेड टू असरटेन द पार्टनरशिप ऑफ सोसाइटी इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, यानी स्कूल में स्कूल काउंसिल एक बनानी चाहिए, ताकि जिसमें देखा जाए कि माशरे के लिए एक बच्चे को कैसे बनाया जाए, कि लर्निंग और टीचिंग के प्रोसेस को कैसे लेके चला जाए कि ये अपने बेस्ट रिजल्ट दे सके। एग्जीबिशंस ऑफ हैंडीक्राफ्ट इन द स्कूल दिस वर्ल्ड सर्व अ थ्री फोल्ड पर्पस। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट के ऊपर स्कूल में काम होना चाहिए, ताकि एक जो दुनिया का बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव एक एंगल बनाया जाता है और हो भी रहा है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम, तो माशरे में एक जो भी एक स्टूडेंट है हमारे पास या एक फ़र्द है, उसके अंदर ये अचीवमेंट्स मौजूद हों। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल पॉलिश द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, यानी बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी को पॉलिश करना चाहिए। हर बच्चे में होती है, एक हद तक होती है, हर बच्चे में कुछ में ज़्यादा होती है, लेकिन उसको पॉलिश करना एक इदारे का काम है, स्कूल का काम है, घर का काम है, और सोसाइटी उसके लिए ऐसे कह लें कि मौके फराहम कर सकती है। दिस विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ फाइनेंस फॉर द स्कूल। ठीक है, इसकी वजह से बच्चे का इकोनॉमिकली भी वो प्रोडक्टिव हो पाएगा, तो सोसाइटी विल गेट टू नो अबाउट द फॉर प्रोग्रेस ऑफ द स्कूल। ठीक है, सोसाइटी ऐसे ऐसे जानेगी कि कैसे होगा प्रोग्रेस, स्कूल्स में कैसे ज़रूरी है। एग्जीबिशन आपके पास हमने फ्लो चार्ट बना हुआ है। एग्जीबिशन स्टूडेंट एग्जीबिशन से क्या होता है, स्टूडेंट की क्रिएटिविटी आती है, अगर किसी स्टूडेंट क्रिएटिविटी होगा तो उसके लिए स्कूल के लिए वो फाइनेंस कर पाएगा और सोसाइटी भी इस मामला से अवेयर होगी। ठीक है, नाउ कम टू एक्सरसाइज। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। नंबर वन है मैन नेवर सेट हिज फुट ऑन अर्थ एज अ डैश स्कॉलर। द ऑप्शन इज बी बोर्न स्कॉलर, यानी इंसान ने पैदा होते ही वो टीचर या स्कॉलर नहीं होता। द लर्न्स प्रोसेस टेक प्लेस, हमने देखा दो वेज में होती है लर्निंग, एक फॉर्मल और एक नॉन फॉर्मल। होम इज़ द डैश केयरिंग क्रेडिट फर्स्ट, पहला जो एक गोद है सीखने वाली वो कौन सी है, माँ, घर है फर्स्ट। स्कूल इज़ द बेयर यूनिट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, स्कूल यानी साफ साफ वाजह तौर पर एक फॉर्मल एजुकेशन का इदारा है, मतलब जहाँ पर काम ही ये है, बाकायदा तौर पर इंतज़ाम किया जाता है सिखाने का।
सोसाइटी इज़ द डैश स्टेज फॉर द डेवलपमेंट पैनोरामिक स्टेज। ठीक है, जैसे हमने देखा डैश इज़ अ स्मॉल सोसाइटी, बोथ ऑफ दिस होम और स्कूल दोनों ही अपनी अपनी जगह पर एक बाकायदा सोसाइटीज़ हैं। डैश इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग टेक्स्ट बुक, नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन में टेक्स्ट बुक पब्लिश की जाती हैं। डैश फैसिलिटेट्स रिसर्च एट हायर लेवल HEC। डैश ट्रांसमिट स्किल्स इन द स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑल ऑफ दिस टाइम टीचर बुक्स। फॉर्मल एजुकेशन टेक प्लेस इन स्कूल, स्कूल गिव अ बैलेंस इंडिविजुअल टू द सोसाइटी। ठीक है, यानी स्कूल की वजह से एक भरपूर फ़र्द एक दरमिया एक मोतदिल एक मिजाज फ़र्द जो है वो माशरे को मिलता है। होम क्रिएट रिस्पेक्ट फॉर सोशल वैल्यूज इन द स्टूडेंट। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, होम इज़ द केयरिंग क्रेडल फॉर द चिल्ड्रन। इन दिस वे स्कूल गिव्स अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी टू द सोसाइटी। ठीक है, इन दिस वे स्कूल गिव्स अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी टू द सोसाइटी। ठीक है, ये गलत आगे लिखा हुआ है, दोबारा से बैलेंस लिखा हुआ है, ये गलत। होम इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ बियरिंग फॉर द स्टूडेंट। होम इज़ एक्चुअली अ स्मॉल सोसाइटी, इट प्रिपेयर इट्स इनमेट्स फॉर सोशल एडजस्टमेंट। स्कूल इज़ द स्मॉल स्केल सोसाइटी, इट क्रिएट सोशल एडजस्टमेंट इन द स्टूडेंट। टीचर इज़ द डैश की कैरेक्टर इन आवर एजुकेशनल सिस्टम। देर आर टू टाइप्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग, एजुकेशन प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट ह्यूमन कल्चर। नेक्स्ट है, न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ रिप्लेस द ओल्ड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन हैज़ बिकम अ कंटिन्यूस प्रोसेस। नाउ कम टू ट्रू फॉल्स, स्कूल हेल्प द चिल्ड्रेन टू अडॉप्ट अ कन्फर्मिंग एटीट्यूड विद द सोसाइटी। ट्रू, ठीक है, यानी सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है इसमें स्कूल आपकी मदद करता है। स्कूल स्पर्स अप द इंडिविजुअल टू अचीव द कलेक्टिव गोल्स, स्कूल मदद करता है ताकि इंसान अपने मकासद अचीव कर सके या उनको कहें बना सके। दिस इज ट्रू, इट क्रिएट्स सोशल माल एडजस्टमेंट इन द स्टूडेंट। फॉल्स, ठीक है, यानी गलत माल एडजस्टमेंट, यानी गलत तरीके से उसको एडजस्ट कर रहे हैं। नहीं, हायर एजुकेशन कमीशन फैसिलिटेट रिसर्च एट ऑल लेवल। नो, नॉट एट ऑल लेवल, हायर लेवल पर जाके वो करता है। थिंग्स हैज़ रिफॉर्म्ड सोशल लाइफ, येस। एजुकेशन हैज़ बिकम अ कंटिन्यूम प्रोसेस, ऑफकोर्स। टीचर कैन गिव एडवाइस टू द स्टूडेंट फॉर देयर डेवलपमेंट। ट्रू, स्कूल इज़ द एजेंट ऑफ सोसाइटी। ट्रू, इट हेल्प द सोसाइटी इन मैनी वेज। ट्रू, न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ नॉट रिप्लेस द ओल्ड टेक्नोलॉजी। ट्रू, ठीक है, ओल्ड टेक्नोलॉजी अपनी जगह कायम रहती है, उसकी ज़रूरत भी रहती है। द नेटवर्क ऑफ फैसिलिटीज़ इज़ बींग एक्सपेंडेड डे बाई डे। ट्रू, ऑल थिंग्स हैव नॉट रिफॉर्म सोशल लाइफ। फॉल्स, इसी तरह आपके पास है मैच द कॉलम है। पैनोरामिक स्टेज कौन सी हमने बताया, सोसाइटी है। स्मॉल स्केल सोसाइटी कौन सी है, होम और स्कूल है। PTB क्या होता है, पब्लिश बुक। ठीक है, BISE क्या है, हाई अचीव्स है। नेशनल बुक फाउंडेशन के लो कॉस्ट फॉरेन बुक्स हैं। अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी के टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स हैं यहाँ पर। रिसर्च क्या है, हायर एजुकेशन कमीशन। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन आंसर्स मौजूद हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ मैंने लिखवाए थे वो दोनों आपने करने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके पास बहुत सिंपल हैं। ब्रिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन होम स्कूल एंड सोसाइटी, राइट अ नोट ऑन इंस्टीट्यूशन रिलेटिंग टू एजुकेशन, ये आपका इंक्लूडेड नहीं है। हाईलाइट द रोल ऑफ एजुकेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके सिलेबस के ये भी नहीं है, ये थर्ड भी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि होम स्कूल एंड सोसाइटी का है, ब्रिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन होम स्कूल एंड सोसाइटी, ये जो भी हमने इसमें पढ़ा था। ये आपके पास है रिलेशनशिप बिटवीन होम स्कूल एंड सोसाइटी, दिस पेज नंबर आपके पास है 76 पे। ठीक है, ये सारा आपके पास आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है इस वजह से यहाँ तक आप सारा लिखें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आपको आगे दिए हुए हैं बुक में ही। ट्रू फॉल्स MCQ उसके आंसर्स भी आपको दिए हुए हैं, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस। एक्सरसाइज आपकी इसमें सॉल्व्ड है, ये आपके पास आंसर्स हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के भी। ठीक है, ये आपका चैप्टर सेलेक्टिव टॉपिक्स थे, इसमें अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस गिवन बाय फेडरल बोर्ड आप लोगों ने इसको फॉलो करना है और होप सो इस चैप्टर को आप कंप्लीट करेंगे। ये आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th एजुकेशन। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।